स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्क्रीमिंग स्टोरीज में। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था और ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। शिमला में दिसंबर की ठंड और शहरों से ज्यादा पड़ती है। प्रोफेसर बख्शी एक छोटे से कस्बे के रेलवे स्टेशन पर चुपचाप खड़े इधर उधर देख रहे थे। रेलवे स्टेशन पर मुश्किल से चार या पांच ही व्यक्ति होंगे। रेलवे स्टेशन के चारों ओर सन्नाटा सा पड़ा हुआ था। जहां वहां पर इक्का दुक्का दुकान थी जो कि बंद थी, और स्टेशन के सामने एक छोटा सा ढाबा था जो खुला तो था लेकिन उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो होटल रात भर खुलता हो, मगर उस होटल में भी सिर्फ एक या दो ही व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। ठंड बढ़ती चली जा रही थी और हवा भी काफी तेज चल रही थी। प्रोफेसर बख्शी अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपने कोट की जेब में रखकर स्टेशन के इधर उधर देख रहे थे। शायद वो कोई तांगा या किसी रिक्शे के इंतजार में खड़े थे, मगर वहां आसपास कोई रिक्शा या कोई तांगा वाला मौजूद नहीं था, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं था बल्कि एक साधारण सा कस्बे का रेलवे स्टेशन था। स्टेशन के अंदर कहीं चार या पांच व्यक्ति आग से हाथ ताप रहे थे। प्रोफेसर बख्शी की जब नजर उस आग की तरफ पड़ी तो उन्हें सर्दी की शिद्दत और महसूस होने लगी, और वो धीरे धीरे कदमों से जहां लकड़ियां जल रही थीं उस ओर चले आए। वहां मुश्किल से चार या पांच व्यक्ति ही थे। प्रोफेसर बख्शी उन्हीं व्यक्तियों में से एक से बोले, क्या मैं यहां पर कुछ देर के लिए बैठ सकता हूं? वो व्यक्ति प्रोफेसर बख्शी की तरफ देखने लगे। देखकर ही पता चलता था कि वो गांव के बहुत सीधे साधे लोग थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति बहुत ही अपनायत से बोला, बाबूजी, आप भी हमारे साथ बैठ जाओ, सर्दी बहुत है, आपको वहां पर बहुत देर से खड़ा देख रहे थे हम आपको बुलाने ही वाले थे, अच्छा हुआ आप खुद आ गए। प्रोफेसर बख्शी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और वहां बैठ गए। उनके हाथ में बस एक छोटा सा बैग था। फिर उन पांच व्यक्तियों में से एक व्यक्ति प्रोफेसर बख्शी से कहने लगा, आप बाहर से आए हैं बाबूजी? प्रोफेसर बख्शी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैं शहर से आया हूं। उस व्यक्ति ने फिर से पूछा, कहां पर जाना है बाबूजी? प्रोफेसर बख्शी को अब थोड़ा सुकून महसूस होने लगा क्योंकि सर्दी से उन्हें थोड़ी राहत मिल गई थी। फिर प्रोफेसर बख्शी ने बहुत दोस्ताना अंदाज में उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल है बाबूजी, मैं यहीं पास में काम करता हूं, आज घर जाने वाला था मगर रात हो गई। वैसे आपको कहाँ जाना है बाबूजी? प्रोफेसर बख्शी अब्दुल की तरफ बहुत गौर से देखने लगे और कहा, मुझे पुलगा गांव जाना है। प्रोफेसर बख्शी ने जैसे ही पुलगा गांव का नाम लिया, वे पांचों व्यक्ति प्रोफेसर बख्शी को बहुत गौर से देखने लगे। प्रोफेसर ने देखा कि उन पांच व्यक्तियों की आंखों में एक अजीब सा डर था। फिर प्रोफेसर ने अब्दुल की तरफ देखकर कहा, क्या बात है, तुम लोगों के चेहरे इस गांव का नाम सुनकर उतर क्यों गए? ऐसा क्या है इस गांव में? प्रोफेसर बख्शी की बात सुनकर अब्दुल थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोल पड़ा, अगर आपको पुलगा गांव जाना है बाबूजी, तो फिर तो आपको सारी रात हमारे साथ बैठकर हाथ तापने पड़ेंगे। मतलब? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा अब्दुल। मतलब यह है बाबूजी के रात के वक्त पुलगा गांव में कोई नहीं जाता, और खास तौर से तब जब चांद की आखिरी तारीख हो। हाँ, कल दिन में आप वहां पर जा सकते हैं, आज रात में तो आप वैसे भी नहीं जा सकते क्योंकि वहां जाने के लिए आपको कोई सवारी नहीं मिलेगी। वैसे पुलगा गांव यहां से है कितनी दूर? पुलगा गांव यहां से बाबूजी 15 या 20 किलोमीटर दूर है, और यहां से पुलगा गांव तक एक कच्ची सड़क जाती है और एक पक्की,
पक्की सड़क इस वक्त बंद है क्योंकि ठंड ज्यादा है और बर्फ पड़ रही है, पर अभी सिर्फ कच्ची सड़क खुली होगी। मगर उसके अगल बगल में घने जंगल हैं और रास्ता भी बहुत ऊबड़ खाबड़ है। कच्ची सड़क पर मोटर गाड़ी बहुत ही मुश्किल से जा पाती है। ज्यादातर उस सड़क पर तांगा या घोड़ा गाड़ी ही यहाँ से जाती हैं, मगर रात के वक्त आपको वहाँ पर तांगे वाला भी ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे आप उसके लिए कितनी भी कीमत दे दें उसको। प्रोफेसर बख्शी से अब्दुल ने ये सारी बात एक ही सांस में बता दी। प्रोफेसर बख्शी, जो उसकी बात बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहे थे, कहने लगे, ऐसा क्या है उस रास्ते में कि कोई भी तांगा वाला वहां पर रात के वक्त जाना नहीं चाहता? प्रोफेसर की बात सुनकर अब्दुल अपने पास बैठे उन चारों व्यक्तियों को देखने लगा। ऐसा जान पड़ता था मानो वो अब्दुल से आंखों ही आंखों में मना कर रहे थे कि इस बारे में कोई बात मत करो। प्रोफेसर बख्शी ने इस चीज को गौर किया, फिर वो बहुत ही दोस्ताना अंदाज में अब्दुल से बोले, घबराओ नहीं अब्दुल, हमारे पास आज की पूरी रात है। वैसे भी तुमने कहा कि रात में कोई भी तांगे वाला वहां नहीं जाएगा और ना यहां पर कोई होटल है ठहरने के लिए, तो वैसे भी मुझे रात तुम लोगों के साथ ही गुजारनी है। अब रात गुजारने के लिए कुछ तो बात करनी होगी, और वैसे भी इस जगह पर मैं तुम लोगों का मेहमान हूं। प्रोफेसर बख्शी की बात सुनकर अब्दुल के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। वो गांव के ही लोग थे और वैसे भी गांव के लोग दूसरे लोगों से बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं। शायद प्रोफेसर बख्शी इस बात को जानते थे और उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया। फिर वो अब्दुल से पूछने लगे, बताओ अब्दुल, उस रास्ते में ऐसा क्या है कि वहां पर रात के वक्त कोई नहीं जाता? उनकी बात सुनकर अब्दुल ने कहा, जी आपने अपना नाम नहीं बताया हमें अभी तक। प्रोफेसर बख्शी ने अपना पूरा नाम अब्दुल को बताया और चारों व्यक्ति जो प्रोफेसर बख्शी के साथ ही बैठकर हाथ ताप रहे थे, प्रोफेसर को बहुत गौर से और दिलचस्पी से देखने लगे। अब्दुल, मेरा नाम प्रोफेसर बख्शी है और मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, उससे मिलने आया हूँ। उसने अपने गांव का पता पुलगा गांव ही बताया था। प्रोफेसर की बात सुनकर अब्दुल प्रोफेसर से कहने लगा, प्रोफेसर कमाल की बात है, उसने आपको ये नहीं बताया कि पुलगा गांव में रात में कोई नहीं जाता, आपको दिन में आना चाहिए था। और इसके आगे अब्दुल कुछ कहते कहते रुक गया। प्रोफेसर ने कहा, नहीं ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया। अब्दुल कुछ कहना ही चाहता था कि प्रोफेसर ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अब छोड़ो यार, बताओ ना उस रास्ते में ऐसा क्या है कि लोग वहां पर रात में नहीं जाते? पुलगा गांव में चांद की आखिरी तारीख में कोई नहीं जाता। पहले तो कुछ टूरिस्ट वगैरह यहां पर आते रहते थे, मगर फिर कुछ टूरिस्ट रात के वक्त वहां से लापता होने लगे। धीरे धीरे डर का माहौल बन गया और वो इस कदर फैल गया कि अब वहां रात में तो क्या, दिन में भी लोग जाने से कतराते हैं। कहते हैं पुलगा गांव के करीब एक भयानक जंगल पड़ता है, जहां पर कुछ अजीब से बने हुए वीरान खंडहर हैं, और उन खंडहरों में जो भी जाता है वापस नहीं आता। आज तक तो कोई लौट कर नहीं आया, या फिर उसकी लाश जंगल में पाई जाती है। प्रोफेसर, आपके दोस्त ने जरूर आपको झूठ बताया होगा कि वो पुलगा गांव का रहने वाला है, या फिर आपके सुनने में कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं आपको एक बेहतरीन मशवरा देता हूं, आप मुझे एक अच्छे व्यक्ति लगते हैं। देखिए, आप यहां से चले जाइए। ये बात अब्दुल ने प्रोफेसर की तरफ देखकर बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में कही। प्रोफेसर बख्शी ने अब्दुल की तरफ देखकर कहा, क्या तुम अभी भी भूत प्रेत पर यकीन करते हो? अब्दुल प्रोफेसर बख्शी को बड़े गौर से देखने लगा, फिर कुछ देर बाद ठंडी सांस भरकर बोला, प्रोफेसर आप शहर के रहने वाले हो, आप शहरी लोग इन बातों को नहीं मानते, क्योंकि आप शहरी लोगों का पाला इन बातों से बहुत कम पड़ता है। लेकिन हम गांव वाले इन वीरानों में आबाद हैं, हम जानते हैं कि
इस दुनिया में दूसरे लोग भी हैं। आप उनको किसी भी नाम से बुला सकते हैं, भूत प्रेत, चुड़ैल, जिन, लेकिन इस दुनिया में उनका भी वजूद है। प्रोफेसर अनजान होने का नाटक करने लगे। फिर उन्होंने अब्दुल से कहा, अच्छा तो क्या तुमने कभी भूत प्रेत या चुड़ैल को देखा है? अब्दुल प्रोफेसर को बहुत गौर से देख रहा था। उसे शायद प्रोफेसर की बात पसंद नहीं आई। बाबूजी, आप मानो या ना मानो, लेकिन हमने अपने बड़े बुजुर्गों से यही कहानियां सुनी हैं कि उन वीरान खंडहरों में किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने अक्सर वहां पर एक लड़की को देखा है जो बहुत ही खूबसूरत है, मगर सच तो यह है बाबूजी कि वो लड़की जितने भी लोगों को रात में दिखाई दी है, वो लोग जिंदा वापस नहीं बचे, और अगर गलती से बच भी गए तो उन्होंने अपनी सारी उम्र चारपाई पर ही काट दी। कमाल की बात तो यह है बाबूजी कि उस जगह पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ वीराना है। अब्दुल आगे बताता तभी उन चारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोला, प्रोफेसर आप क्या इन बातों को लोगे? आप ठहरे शहरी लोग इन बातों को नहीं मानते। मैं बताता हूं आपको, अभी 2 या 3 दिन पहले एक पुलिस वाला भी आया था यहां पर, कुछ इंक्वायरी करनी होगी। हमने उससे कहा कि जंगल में अकेले मत जाओ, लेकिन वो नहीं माना। सब तांगे वालों ने उसे मना कर दिया। सबने उससे कहा कि नहीं, हम रात में उस जंगल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो पुलिस वाला बहुत ही अड़ियल था, किसी की बात को नहीं माना और पैदल ही वहां से निकल पड़ा। दूसरे दिन उसकी लाश जंगल की झाड़ियों में मिली। आप समझदार हो प्रोफेसर, जो हमारी बातों को मानकर या हमारे साथ बैठे हो, कम से कम जिंदा तो हो। प्रोफेसर बख्शी उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि प्रोफेसर के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, जैसे कि मामले के तह तक कैसे पहुंचा जाए। तभी अब्दुल बोल पड़ा, क्या सोच रहे हैं प्रोफेसर? प्रोफेसर उसकी बात सुनकर अचानक अपनी सोच से बाहर आ गए। कुछ नहीं अब्दुल, बस यही सोच रहा था कि सुबह होने वाली है कुछ ही देर में, क्या तुम मुझे पुलगा गांव तक छोड़ोगे? मुझे तुम आदमी अच्छे लगे। अब्दुल अपने चारों दोस्तों को देखने लगा, जैसे कि पूछना चाह रहा हो कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। फिर कुछ देर सोचने के बाद अब्दुल बोला, ठीक है प्रोफेसर, आप फिक्र ना करें, वैसे भी चांद की आज आखिरी तारीख थी। आप आदमी अच्छे हो और शहरी बाबुओं की तरह नहीं। आपका व्यवहार भी मुझे अच्छा लगा, सिर्फ इसी वजह से मैं आपको ले चलूंगा। प्रोफेसर उसकी बात सुनकर खुश हो गए और वो सोचने लगे कि अब आगे क्या किया जाए। आधी रात का वक्त था, मगर किसी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो और कोई नहीं बल्कि नादिया खान थी, जो अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी। पता नहीं क्यों आज उसे नींद नहीं आ रही थी, और वो बड़ी बेचैन होकर अपने कमरे में टहल रही थी कि तभी उनकी नजर अचानक सोफे पर पड़ी। वहां पर उन्होंने देखा एक अंगूठी पड़ी हुई थी। वो इस अंगूठी को अच्छी तरह से पहचानती थी। यह अंगूठी किसी और की नहीं बल्कि पीर बाबा की थी। नादिया खान ने मन ही मन सोचा, पीर बाबा अपनी अंगूठी यहां भूल गए, बड़ी अजीब बात है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि पीर बाबा अपनी कोई भी चीज यहां भूल जाए, फिर यह अंगूठी कैसे रह गई? फिर अचानक उन्हें एक पुरानी बात याद आ गई इस अंगूठी के बारे में। उन्होंने एक बार पीर बाबा से इस अंगूठी के बारे में पूछा था, जिसके जवाब में पीर बाबा ने कहा था कि अंगूठी बहुत ही बेशकीमती है, मैं इसे अपने बदन से 1 सेकंड भी अलग नहीं रख सकता, इससे आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। यह सोचकर नादिया खान फिक्रमंद हो गई। उनके मन में ख्याल आया कि यह अंगूठी बहुत ही कीमती लगती है, पर शायद
पीर बाबा बहुत ही जल्दी में थे जो इस अंगूठी को यहां पर भूल गए। यह अंगूठी अभी इसी वक्त उनको देनी चाहिए। फिर उन्होंने मोहनलाल को आवाज लगाई। मोहनलाल जग रहा था, उसको भी नींद नहीं आ रही थी। नादिया खान की आवाज सुनकर वो अपने कमरे से बाहर आ गया। क्या हुआ मालकिन? ये अंगूठी पीर बाबा यहां भूल गए हैं। तुम अभी इसी वक्त इस अंगूठी को उनके घर दे आओ। कैसी बातें कर रही हैं आप? आधी रात हो रही है, सुबह चला जाऊंगा, कम से कम सुबह तक का इंतजार कर लीजिए। नादिया खान के चेहरे पर गुस्सा आ गया। नहीं मोहनलाल, तुम नहीं समझते, ये अंगूठी पीर बाबा के लिए बहुत कीमती है। मैंने तुमसे जो कहा है वो करो, ये अंगूठी अभी इसी वक्त उनके घर पर दे आओ। मोहनलाल के लिए नादिया खान का हुक्म सर आंखों पर था, इसीलिए उसने बगैर सवाल किए अंगूठी को ले लिया और गाड़ी में बैठ गया। तभी उनके कानों में नादिया खान की आवाज आई, रुको मैं भी आती हूं। आप मेरे साथ इतनी रात को क्यों आ रही हैं? वैसे भी छोटे मालिक घर पर अकेले हैं। नादिया खान अपने बेटे का नाम सुनकर रुक गई। फिर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, साहिल का खास ख्याल रखना, वो इस वक्त अपने कमरे में है, उसकी शादी हुई है, तुम लोग जानते हो। वो वैसे भी बाहर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका ध्यान रखना है। मैं एक घंटे में आ जाऊंगी। फिर वो अंगूठी लेकर गाड़ी में बैठ गई और मोहनलाल गाड़ी ड्राइव करने लगा। कुछ ही देर बाद वो दोनों पीर बाबा के घर पर थे। नादिया खान ने दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई आवाज ना आई। नादिया खान के चेहरे पर फिक्र तारी हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि अभी कुछ देर पहले पीर बाबा हमारे घर से आए, लेकिन इतनी जल्दी वो सो नहीं सकते। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें इतनी देर तक दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और सामने पीर बाबा खड़े थे। पीर बाबा नादिया खान और मोहनलाल को देखकर चौंक गए। तुम लोग इतनी रात को यहां, खैरियत तो है? नादिया खान ने पीर बाबा से कहा, पीर बाबा आप तो पूरी पूरी रात इबादत करते हो, आप इतनी जल्दी कैसे सो गए? क्योंकि जहां तक मुझे याद है आप सुबह ही सोते हो। पीर बाबा ने कहा, हाँ कुछ देर पहले ही मेरी आंख लगी थी, लेकिन तुम लोग इतनी रात गए मेरे पास यहां क्या कर रहे हो? खैरियत तो है? पीर बाबा आप तो हमें देखकर ऐसे चौंक गए जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। अभी कुछ देर पहले ही तो आप हमारे घर पर आए थे और ये अंगूठी आप छोड़ गए थे। अंगूठी? कैसी अंगूठी? ये अंगूठी। पीर बाबा ने तुरंत अपने हाथ की तरफ देखा। पीर बाबा के हाथ में अंगूठी नहीं थी। अपने हाथ से अंगूठी को गायब देखकर पीर बाबा की हैरत का ठिकाना ना रहा। वो हैरत से उन दोनों की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर अब परेशानी झलकने लगी थी। पीर बाबा के चेहरे पर परेशानी देखकर नादिया खान भी परेशान हो गई। पीर बाबा ने परेशानी के आलम में उन दोनों को देखते हुए कहा, अंदर आ जाओ, दोनों अंदर आ जाओ। वो दोनों पीर बाबा के घर के अंदर चले गए। पीर बाबा ने फिर उन लोगों से पूछा, ये अंगूठी तुम लोगों के पास कैसे आई? पीर बाबा की बात सुनकर नादिया खान और मोहनलाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पीर बाबा ने दोबारा उन लोगों से पूछा, मुझे बताओ तुम लोग ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? नादिया खान से अब रहा नहीं गया। उन्होंने पीर बाबा से कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप पीर बाबा? ये अंगूठी आप कुछ देर पहले हमारे घर पर भूल के आए थे। भूल आया था तुम्हारे घर पर? कैसी बातें कर रही हो? जब मैं तुम्हारे घर पर गया ही नहीं तो ये अंगूठी में कैसे भूल सकता हूं? पीर बाबा की बात सुनकर नादिया खान सख्त परेशान हो गई और पीर बाबा से कहने लगी, पीर बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी ऐसी बातें आप मुझको डरा रही हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं तुम्हारे घर पर आया ही नहीं। हाँ ये बात सच है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा साहिल को देखने, मगर
मुझे वक्त नहीं मिला, मैं कल आने वाला था। अगर आप हमारे घर पर नहीं आए पीर बाबा, तो फिर वो कौन था जो हमारे घर पर आया था? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। नादिया खान ने सारी बात पीर बाबा को बता दी कि किस तरह पीर बाबा उनके घर पर एक लड़की को लेकर आए और उन्होंने उस लड़की का निकाह उनके बेटे साहिल से करा दिया। पीर बाबा नादिया खान की बात सुनकर उछल पड़े और चीखते हुए बोले, ये तुमने क्या कर दिया नादिया खान, तुमने बरसों पुरानी मेहनत पर मिनटों में पानी फेर दिया। वो लोग जीत गए और हम हार गए नादिया खान। पीर बाबा कैसी हार और कैसी जीत? पीर बाबा आप ही हमारे घर पर आए थे और आपने ही सारे के सारे ताबीज घर से निकलवाए और आपने ही मुझसे कहा कि तुम्हें इस लड़की का निकाह अपने बेटे से करवाना पड़ेगा। पागल मत बनो नादिया खान, मैं आज अपने घर से निकला ही नहीं, मैं तुम्हारे घर पर कैसे आऊंगा? और तुम खुद सोचो, मैं अपनी कोई भी चीज कहीं भी कभी भी नहीं भूलता। पीर बाबा अगर आप हमारे घर पर नहीं आए थे तो फिर वो कौन था? वो छलावा था नादिया खान, छलावा। पीर बाबा ने चीखते हुए कहा, मेरा रूप लेकर तुम्हारे घर में घुसकर उसने वो कर दिया जो इतने सालों में नहीं कर पाया। नादिया खान, तुमने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। नादिया खान पीर बाबा की बात सुनकर गुस्सा हो गई। उनको पीर बाबा की बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा। उन्हें पीर बाबा से इस तरह बात करने की उम्मीद नहीं थी। जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो फिर वो पीर बाबा से कहने लगी, आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं पीर बाबा जैसे कि सारी गलती हमारी है। चलिए अगर हम एक बार को अपनी गलती मान भी ले तो फिर आप हमें यह बताएं कि आपकी अंगूठी हमारे घर पर कैसे आई, यानी चूक कहीं ना कहीं आपसे भी हुई है पीर बाबा। पीर बाबा रुकैया बेगम की बात सुनकर थोड़ा शांत हो गए और चुपचाप बैठ गए। पीर बाबा अगर आप हमारे घर पर नहीं आए थे तो फिर वो कौन था? 10 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हें सब बताता हूं। फिर पीर बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। 10 मिनट बाद पीर बाबा ने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक डर दिखने लगा। नादिया खान ने पीर बाबा को पहली बार डरते हुए देखा था। क्या हुआ पीर बाबा, क्या देखा आपने? नादिया खान, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। ये सालों की मेहनत थी जिस पर पानी फिर गया। तुम्हारे घर पर जो आया था वो मैं नहीं, एक छलावा था, और मैं उस छलावे को अच्छी तरह से जानता हूं। वो छलावा कौन था और उसका मकसद क्या था, और मैं देख रहा हूं कि वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। मगर वो एक बात नहीं समझता कि उसने मुझसे टक्कर ली है। मैं उसे किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अब क्या होगा पीर बाबा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है आपकी बात सुनकर। तो फिर वो लड़की जो मेरे बेटे की बीवी बन चुकी है, वो कौन है? पीर बाबा ने नादिया की तरफ रहस्यमय नजरों से देखा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जो साहिल को उस वीराने में मिली थी। बड़ी मुश्किल से मैं साहिल को उस वीराने में से निकाल कर लाया था, मगर वो लड़की उस वीराने से निकलकर खुद तुम्हारे घर पर जाकर बैठ गई। अब मुसीबत सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम सबके लिए है। पीर बाबा बहुत हो गया। मोहनलाल जो बहुत देर से पीर बाबा और अपनी मालकिन की बात सुन रहा था, उससे रहा नहीं गया, उसे बोलना ही पड़ा। पीर बाबा, मैं तुम दोनों की बात बहुत देर से सुन रहा हूं और आज तक सुनते आया हूं। मैंने आज तक आपकी बात में दखल नहीं दिया, मगर अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब आपको बताना ही पड़ेगा कौन सी मुसीबत और वो लड़की वीराने से यहां कैसे आ गई। आखिर इन सबका छोटे मालिक से क्या ताल्लुक है? आप हमें पूरी बात बताएं। पीर बाबा ने बहुत गुस्से भरी नजरों से मोहनलाल की तरफ देखा। क्या जानना चाहते हो? वो सब कुछ पीर बाबा जो इतने सालों से मैं सुनता आया हूं, आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर छोटे मालिक का क्या ताल्लुक है इन सारी बातों से। पीर बाबा ने नादिया की तरफ देखा। नादिया खान ने भी मोहनलाल का साथ दिया और वे पीर बाबा से कहने लगी,
पीर बाबा अब मुझसे भी रहा नहीं जाता। वो लड़की कौन है जो मेरे बेटे की बीवी बन चुकी है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पीर बाबा। एक आदमी आपकी शक्ल में मेरे घर पर आता है और आपके सारे ताबीज निकलवा देता है और अपने दिए हुए ताबीज गड़वा देता है, और फिर एक लड़की मेरे बेटे की अचानक बीवी बन जाती है। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि वो लोग कोई भी हों बहुत ताकतवर हैं। अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि वो लड़की आखिर है कौन जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी है, पीर बाबा ने नादिया खान से कहा। अभी ये सारी बातें बताने का वक्त नहीं है। अब हमें यह सोचना है कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। पीर बाबा की बात सुनकर मोहनलाल चीखते हुए बोला, मेरी अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है पीर बाबा। हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे जब तक कि आप हमें पूरी हकीकत नहीं बताएंगे। आप हमें पूरी हकीकत बताएं कि आखिर उस लड़के का छोटे मालिक से क्या ताल्लुक है और उनका उन वीरानों से क्या ताल्लुक है। पीर बाबा को मोहनलाल का चीखने का अंदाज पसंद नहीं आया और पीर बाबा ने नसीहत भरे अंदाज में मोहनलाल से कहा, अपनी आवाज नीचे रखो नौकर। तुम्हारा मालिक भी हमसे नीची आवाज में बात किया करता था। मैं आपकी इज्जत करता हूं पीर बाबा, लेकिन अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको अब सब कुछ बताना पड़ेगा कि आखिर इन सबके पीछे क्या राज है। पीर बाबा ने बहुत मना किया, लेकिन आज मोहनलाल किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वैसे मोहनलाल पीर बाबा से इतना नहीं बोलता, लेकिन नादिया खान की खामोशी ने उसकी हिम्मत को और बढ़ा दिया। शायद वो भी अब उस राज को जानना चाहती थी जो अब तक उनसे छुपाया गया था। नादिया खान ने पीर बाबा से कहा, मैं भी मोहनलाल की बात से सहमत हूं। मैं जानती हूं कि आपने हमारे खानदान का हमेशा साथ दिया है, लेकिन इतनी बड़ी चूक आपसे कैसे हो गई? वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको भी हरा दिया? पीर बाबा के चेहरे की कैफियत अब बदलने लगी थी। शायद पीर बाबा को उन दोनों की जिद से चिढ़ हो रही थी। पर पीर बाबा ने नादिया खान की तरफ देखते हुए कहा, क्या जानना चाहती हो तुम? मैं यही जानना चाहती हूं पीर बाबा की उस लड़की का मेरे बेटे से क्या ताल्लुक है, वो मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हुई है? पीर बाबा ने गुस्से के आलम में कहा, मेरी बात को गौर से सुनो। तुम जिसे अपना बेटा कह रही हो, सच तो ये है कि वो तुम्हारा बेटा है ही नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं पीर बाबा? ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये कह रहे हैं कि साहिल मेरा बेटा नहीं है? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि साहिल तुम्हारा बेटा नहीं है। नादिया खान को पीर बाबा की बात सुनकर चक्कर आने लगे और उन्होंने उसी आलम में कहा, अगर साहिल मेरा बेटा नहीं है तो फिर कौन है? तो आज का एपिसोड होता है यहीं ख़त्म। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।